नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे हैं। ज्योत्सना किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज हमने बनाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का मालपुआ। ये बहुत ही अच्छा है, नरम है, भीतर में देख सकते हैं बिल्कुल भी, और बहुत गर्म है अभी। तो आइए फुल रेसिपी को देखते हैं। तो ये हर मौसम में आप कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट होते हैं इसमें। तो चलिए फिर फुल रेसिपी को देखते हैं कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 200 ग्राम सूजी ले लिए हैं रावा, तो थोड़ा बारीक वाली ले। तो अब जो है इसको हम धो लेंगे, तीन चार बार अच्छे से धो लेते हैं। देखिए धोने से क्या होता है, इसके ऊपर में कितनी गंदगी है। तो जबकि ये पैकेट वाला है फिर भी इसके अंदर इतना गंदगी है। तो इस टाइप से धो के जो है धीरे धीरे इसका ऊपर का पानी फेंक देना है। तो ऐसे ही हम तीन चार बार धो लेंगे तो बहुत सारा इसका गंदा जो है निकल जाएगा। तो तीन चार बार धो लिए, अब देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। ऐसे ही हम जो है छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा से ये फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम केला ले लिए। यहाँ पीला केला नहीं मिलता है, ऐसे हरा केला मिलता है, ये पके हुए हैं। तो जो है हम छील लेंगे और इसमें से दो तीन केला हम दे देंगे। तो आप कोई सा केला दे सकते हैं जो आपका वहाँ अवेलेबल हो। और मीठा चीज़ में थोड़ा सा नमक देना बनता है। और यहाँ पे जो है हम करीब 150 ग्राम चीनी दे रही हूँ शक्कर। तो आप अपना हिसाब से मीठा कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो केला के साथ और ये चीनी को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे होगा क्या, केला जो है अच्छे से मैश हो जाएगा चीनी के साथ। अगर हम इसे मैश कर देंगे तो बहुत अच्छे से जो है मैश हो जाएगा केला, कोई गुठलीपन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। एकदम जैसे बनाना शेक बनता है ना, बिल्कुल वैसे हो जाएगा, एकदम बढ़िया से जूस की तरह हमें बना लेना है। तो ऐसे हाथों से जो है अच्छे से हमें मैश कर देना है। आप अपना सुविधा अनुसार कोई भी चीज़ से आप मैश कर सकते हो, मुझे हाथों से ज़्यादा अच्छा लगता है। मिक्सर में ये देने से थोड़ा सा ये जो है गर्म हो जाएगा। तो जहाँ तक हो ऐसे ही मचलते हुए हाथों से करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिल्कुल जूस की तरह बन गए हैं, कोई भी इसमें गुठलीपन नहीं है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो केला का जो हम बनाए हैं और इसके अंदर दे देंगे जो सूजी हम भिगो के रखे थे वो सूजी दे देंगे। सूजी अच्छे से फूल चुका है, इसे जो है मिक्स कर देते हैं। अब जो है इसमें हम मैदा देंगे। तो ये यहाँ पे एक कटोरी करीब हम मैदा ले लिए हैं, मैदा को दे दिए। अब जो है हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पे एक बात हम बोलते हैं, जैसे हम एक यहाँ पे कटोरी ले लिए हैं तो कटोरी में सूजी जो है 200 ग्राम था तो ये दो कटोरी होता, अगर हम मापते तो दो कटोरी सूजी होगा। और एक कटोरी मैदा दे दिए है, तीन केला दे दिए है और एक कटोरी चीनी दे दिए हैं। तो आप जो है बनाइएगा तो कोनो चीज़ से जो है थोड़ा माप कर दे दीजिएगा। और जो है थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा दूध दे देंगे। तो दूध है गर्म करके रखे हैं, ठंडे हो चुके हैं, वही दूध जो है थोड़ा सा दे दिए। फिर से जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम आधे घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि मैदा वैदा जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारा जो पूहे बनेंगे मालपूहे बहुत अच्छे से फूलेगा और खाने में स्वादिष्ट भी होगा। तो ऐसे करके जो है हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है देख सकते हैं अच्छे से इसमें ये थोड़ा सा जब गाढ़ा हो गया था तो हल्का सा हम दूध दे दिए हैं। और तो इसे होना चाहिए, जैसे ही हम उठाएंगे इसे ही नीचे गिरना चाहिए। तो चलिए आप जो है
मालपुआ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हम जो है रिफाइंड तेल गरम कर लिए हैं, गरम हो चुके हैं। फ्लेम को एकदम हम स्लो करके रखे हैं। आप जो है इस टाइप से लेंगे, साइड जो है बीसों बीस में थोड़ा सा हम दे देंगे। फ्लेम को फ्रेंड्स स्लो ही रखना है, नहीं तो ये ऊपर से जो है जल जाएगा और अंदर में कच्चा रह जाएगा। तो स्लो स्लो ही हमें जो है मालपोहे को बनाना है। हम थोड़ा सा नीचे चला देते हैं लगता है। नीचे लग गया। बस ये वाला हो चुका, अब निकाल लेते हैं। दोनों साइड अच्छे से हो चुके, फिर से एक और दे देंगे। पहला वाला थोड़ा सा छोटा दिए थे, अब थोड़ा सा ज्यादा दे दिए। तो फ्रेंड्स आप कभी अगर बनाए नहीं है तो जरूर एक बार ट्राई करें। कढ़ाई की कमी हो सकता है कि ये नीचे थोड़ा लग जा रहा है। केला वगैरह दिए ना तो हल्का सा जो है करसोली से छुटा देने से ये ऊपर तक आ जा रहा है। अच्छे से हो गए हैं। बहुत जल्दी ये जो है फ्राई हो जाता है, ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही फ्राई कर लेना है। तो निकाल लेते हैं, ये भी हो चुके हैं। तो जो है सारे इसी टाइप से हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना सारा जो मालपुआ बन के रेडी है। तो कैसे लगे मेरी रेसिपी? अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब लोग स्वस्थ रहे। बाय।